हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम करने जा रहे हैं जेई मेन 2020 शिफ्ट 1 जनवरी 9 को जो पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने में शायद आपको ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा लगे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से और बड़ी जल्दी हो जाएगा। लेट्स सी, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे और उन्हें कैसे अप्लाई करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब शुरू करते हैं। इफ़ सी बी द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस सो एंड लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, देन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सी एंड पी ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। दीज आर द फोर ऑप्शंस वी हैव। क्योंकि जेई का क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत ही ध्यान से और इसको एक्सप्लेन करके करूँगा। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि सी एक पॉइंट है सेंट्रॉयड का। हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रॉयड क्या होता है। सेंट्रॉयड एक ट्राइंगल के मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो कि हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। आई एम श्योर आपको सेंट्रॉयड के बारे में पता होगा, और इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का। यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये सी के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे 3+1+2 अपॉन 3 -1+3+4। हमने ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, इनको यूज़ करके हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं 2, 2। तो ये आ गए हमारे पास सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स। देखिए, अगर हम फटाफट से एक ट्राइंगल बना सकते हैं जो कि कुछ इस फॉर्म में आएगा, तो मान लीजिए ये हमारे पास मीडियंस हैं। ये जो पॉइंट है ये सी है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास 2, 2 आए हैं। अब वो कहता है कि कोई दो लाइंस हैं, मान लीजिए ऐसे करके कोई दो लाइंस हैं, इनका ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करवा लेंगे, यहाँ से एक लाइन निकलेगी जो कि एक पॉइंट को पास करेगी, और वो पॉइंट जो होना चाहिए वो इन चार ऑप्शंस में से एक होना चाहिए। ये है एग्जैक्टली क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि अब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़ेंगे। पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें ये वाली लाइंस को यूज़ करना पड़ेगा, ये वाली लाइंस को, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। देखिए, अभी हमने 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ किया था जिसमें सेंट्रॉयड यूज़ होता है। अभी हम 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, x+3y=1 एंड 3x-y=-1। दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा और इसको हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x+9y=3 आएगा, 3x-y=-1 आएगा। अब साइन चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये और ये कट गया, 10y=4 आएगा, y=2/5 आएगा। ये हमारे पास P पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट y आ गया है, विच इज़ 2/4। अब मैं अगर इसे सब्स्टिट्यूट करूँ किसी इक्वेशन में तो क्या आएगा मेरे पास, x+3×2/5=1 आ जाएगा, तो x=1-6/5 आ जाएगा, जो कि -1/5 आएगा। इस तरह से p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -1/5 एंड 2/5। तो अब आप ये देखिए कि मुझे cp की एक इक्वेशन चाहिए होगी, cp एक लाइन है, इसकी एक इक्वेशन चाहिए होगी, फिर उसके ऊपर देखने हैं कि हमने कौन से कोऑर्डिनेट लाई करेंगे। अब हम 11th का स्ट्रेट लाइंस यूज़ करेंगे, और बड़े ध्यान से देखिएगा कि स्ट्रेट लाइन में वी नो
कि स्लोप जो होती है वो m होती है, तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो मुझे ये जो CP लाइन बनी है इसकी स्लोप निकालनी है। इसकी स्लोप क्या आएगी, अब देखिए m इज इक्वल टू, एक पॉइंट अगर 2 है तो दूसरा 2 बाय 5 है, फिर x अगर 2 है तो y क्या है माइनस 1 अपॉन 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे 5 टू ज़ा 10 माइनस 2 8, 5 टू ज़ा 10 प्लस 1 8 अपॉन 11। सो CP लाइन की, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, स्लोप ऑफ लाइन CP इज इक्वल टू 8 अपॉन 11 आ जाएगी। इतना तो हमें पता ही है कि हर एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि CP लाइन की इक्वेशन भी इसी में आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब CP जो लाइन है, लेट से ये एक लाइन CP है, ठीक है, इसका एक कोऑर्डिनेट 2,2 है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस 1 अपॉन 5 एंड 2 अपॉन 5। तो अब आप ये देखिए कि क्योंकि ये दोनों पॉइंट, ये 2,2 और माइनस 1 बाय 5 और 2 बाय 5 दोनों ही लाए करते हैं CP पे, तो मैं कोई भी XY उठा सकता हूँ इसमें से। हमने 11th में ये भी पढ़ा है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे अब वो सारे के सारे इस लाइन पे लाए करेंगे, वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेके आना है, लेकिन उसके लिए मुझे c लेके आना है। c के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूँगा। 2 इज इक्वल टू m क्या आया मेरे पास 8 अपॉन 11, x क्या आया 2, क्योंकि मैंने ये वाले कोऑर्डिनेट उठा लिए, ये आसान थे, आप दूसरे भी उठा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कॉन्स्टेंट यानी c। तो ये क्या आएगा हमारे पास, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 16 अपॉन 11 इज इक्वल टू सी, 22 माइनस 16 6 अपॉन 11 आएगा हमारे पास, सी इज इक्वल टू 6 अपॉन 11। अब हम फाइनल इक्वेशन बनाएंगे इस लाइन की, y इज इक्वल टू m हमारे पास क्या था 8 अपॉन 11, x प्लस c क्या है 6 अपॉन 11, LCM 11y इज इक्वल टू 8 प्लस 6। अब यहाँ से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और अब हम ऑप्शन में से वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास माइनस 9 एंड माइनस 6 एक ऑप्शन है जो कि बी ऑप्शन है, वो इसे सेटिस्फाई भी करेगी। मैं आपको करके बताता हूँ, 8 इंटू माइनस 9 माइनस 11 इंटू माइनस 6 प्लस 6, तो देखिए माइनस 72 प्लस 66 प्लस 6 बिकम्स 0, सो राइट ऑप्शन इज बी। देखिए कितना ज़्यादा आसान था ये क्वेश्चन, अगर हमें लीनियर इक्वेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट आते हों, नॉर्मली ये 10th और 11th से रिलेटेड था क्वेश्चन। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड डूइंग द क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।